إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफन अदीमा हर तरह की तारीफ उसबालमीन के लिए लायक और जेबा जो सारी कायनत का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अरश पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बादहू उसके तमाम नबियों रसूलों पर सलाम नाजिल हूँ खसूसा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाज्रेन हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तीन चीज़ों का इल्म हासिल करे और इस्लामी शरीयत में इसको वसूल सलासा कहते हैं तीन बातों का हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी और वाजिब अल्लाह की मारिफत नबी की मारिफत दीन की मारिफत इसको वसूल सलासा कहते हैं अगर ये तीन चीज़ों का इल्म नहीं है तो हकीकी मानों में वो मोमिन होने का किरदार अदा नहीं कर सकता अल्लाह की मारिफत, अल्लाह कौन है अल्लाह कहाँ है उसका पावर क्या है वो उसकी हैसियत क्या है जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक अल्लाह के हकूक़ अदा नहीं कर सकेंगे नबी की मारिफत, नबी कौन है नबी को किस लिए भेजा गया नबी की तालीमात क्या हैं जब हम इन चीज़ों का इल्म हासिल कर लेंगे तो हम हकीकी मानों में मोमिन बनेंगे हम जिस दीन के फॉलोवर हैं हम जिस दीन को मानते हैं उस दीन की खसूसियात क्या हैं उसकी तालीमात क्या हैं जब तक हम ये नहीं समझेंगे हकीकी मानों में हम दीनी असूलों पर अमल नहीं कर सकते लेकिन अफसोस ये है कि अक्सर लोगों को ये तीन चीज़ों का इल्म नहीं है अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अल्लाह को जानते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं जानते भी हैं मानते भी हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह को जानते हैं और कुछ लोग जानने के अलावा अल्लाह को मानते भी हैं लेकिन अल्लाह की हकीकी मारिफत उनको नहीं है यही वजह है कि बहुत सारे लोग अल्लाह को जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन अल्लाह है की इबादत नहीं करते और जो लोग अल्लाह को जान कर मान कर उसकी इबादत भी करते हैं लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरों की भी इबादत करते हैं वो भी हकीकी मानों में अल्लाह को नहीं मानते हैं अल्लाह की मारिफत उनको नहीं है और जो लोग अल्लाह को मानते हुए अल्लाह के मामलत में दूसरों को शरीक करते हैं वो भी हकीकी मानों में अल्लाह की मारिफत से नावाफ हैं तो आज के खुतबे में मैं अल्लाह की पहचान बताऊंगा, अल्लाह कौन है अल्लाह कहाँ है अल्लाह का पावर क्या है अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि ये मारिफत उसको होनी चाहिए अगर हम अल्लाह तबारक व ताल के वजूद पर गुफ्तु करें कि अल्लाह कहाँ है अक्सर लोग अक्सरियत यही कहती है अल्लाह हर जगह मौजूद है हालांकि ये अकीदा इस्लामी अकीदे के खिलाफ है अल्लाह ताला अल्ला हर जगह मौजूद नहीं है अल्लाह तबारक ताला अपने अर्श पर मुस्तवी है और कुरान मजीद में कई आयतें ऐसी हैं अल्लाह तबारक वजाहत फरमाई है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है सुम मतबा अल अर्श, फिर अल्लाह तबारक अर्श पर मुस्तवी हो गया आम लोगों की बात छोड़िए बड़े बड़े साहिब जुब्ब दस्तार भी यही अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताली हर जगह मौजूद है अब जाहिर सी बात है कि जो उनमा को मानने वाले हैं जो उनको फॉलो करने वाले हैं वो वमा अपने मातहतीन को भी यही बात बताते हैं कि अल्लाह तबारक वाली हर जगह है जबकि अल्लाह तबारक वाली अपने अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह का इल्म हर जगह है अल्लाह की कुदरत हर जगह है अल्लाह की ताकत हर जगह है अल्लाह की हुकूमत हर जगह है अल्लाह का पावर हर जगह है अल्लाह हर जगह नहीं अल्लाह के नबी सल्ला वसम के ज़माने में एक लौंडी को बुलाया गया आप सल्ला व्ल्लम ने उस लवड़ी से पूछा आईन अल्लाह अल्लाह कहाँ है तो क्या कहामा अल्ला अल्लाह आसमान में है अल्लाह ऊपर है सातों आसमान के ऊपर अल्लाह का अरस है और अल्लाह उसी अरश पर मुस्तवी है तो हम अपने अकीदे की असलाह कर लें अगर किसी का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो अपने अकीदे की असलाह कर ले और अपने दिल में ये बात बैठा ले कि अल्लाह हर जगह नहीं है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह की हुकूमत हर जगह है अल्लाह का पावर हर जगह है अल्लाह का इल्म हर जगह है अल्लाह की ताकत हर जगह है कोई भी जगह अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है इसी तरीके से अल्लाह एक है अकेला है कुल अहद कह दीजिए कि अल्लाह एक है दो रब नहीं हो सकते हैं दो रब नहीं हो सकते हैं अल्लाह एक ही है कुल कुल्लाह अहद कह दीजिए कि अल्लाह एक है अकेला है लेकिन पावरफुल है उसी एक की हुकूमत है बहुत सारे लोग अल्लाह तबारक को को तो मानते हैं लेकिन एक नहीं मानते इसीलिए बाज लोगों का अकीदा है कि तीन लोग मिलकर के दुनिया को चला रहे हैं गलत है अकीदा बाज लोगों का अकीदा है कि अल्लाह तबार तला का बेटा है चुनानचे यहूदियों का अकीदा है कि ओजैर अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह तबारक ने इस अकीदे की नफी की लम यलिद वलम यौलत ना वो किसी का बेटा है ना वो किसी का बाप है ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है लम यलिद वलम यौलत अल्लाह अकेला है अल्लाह दो नहीं है अल्लाह तीन नहीं है अकेला अल्लाह पूरी दुनिया को चलाता है अल्लाह बेनियाज है अल्लाह समत बेनियाज है सारे लोग मिल कर के अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह की बड़ाई में कुछ इजाफा नहीं होगा सारे लोग मिल के अल्लाह की मुखालिफ़त करें तो अल्लाह ताला की बड़ाई में कोई कमी नहीं होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाए और सारे के सारे लोग अल्लाह की इबादत करने लगे तो अल्लाह की इबादत में उसकी बड़ाई में उसकी किबरियाई में कुछ इजाफा नहीं हो जाएगा इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है अब उससे बड़ा की कोई तस्वूर नहीं है उससे बड़ा होने का कोई तस्वर नहीं है और सारे के सारे लोग मिल करके अल्लाह की मुखालिफत करने लगे शिर करने लगे अल्लाह की बड़ाई में कोई कमी नहीं हो जाएगी अगर बैक वक्त पूरी दुनिया अल्लाह को मानने से इनकार कर दे तो आप ये समझ लें कि अल्लाह की बड़ाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी इंसान जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है हमारी इबादतों से अल्लाह की बड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्लाह के नबी ससरों ने फरमाया कि आसमान चरचरा रहा है फरिश्तों के बोझ से इसलिए कि आसमान में चार उंगली की जगह ऐसी बाकी नहीं है जिस पर कोई फरिश्ता खड़ा ना हो जहां पर कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो जहां पर कोई फरिश्ता रुकू में ना हो अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है बहुत सारे लोग दो चार रकात नमाज पढ़ के ये समझते हैं कि वह अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं अल्लाह समद अल्लाह बे कुल कुल्हू अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यमय यकुल्लहु कुफुवन अहद उसका ना कोई पार्टनर है न उसका कोई हमसर है तो जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह एक नहीं है दो मिल कर के तीन मिल कर के कई लोग मिल कर के दुनिया चला रहे हैं ग़लत है अल्लाह अकेला ही है अल्लाह अल्लाक्म अल्लाह वही है उसके अलावा कोई मबूद नहीं है जब अल्लाह एक है वही पूरी दुनिया का मालिक है तो उसकी इबादत होनी चाहिए अल्लाह तबार को ताल ने जितने रसूलों जितने पैगंबरों को भेजा उन तमाम पैगंबरों को इन्हीं तालीमात के साथ भेजा कि वो जा करके लोगों को बताएँ कि अल्लाह एक है उसकी इबादत करें और आज भी दुनिया के जितने मुबलग हैं जितने मौलवी हैं जितने आलिम हैं जितने दाई हैं उनको सबसे ज़्यादा जोर इसी पर देना चाहिए कि अल्लाह एक है वही इबादत के लायक है बस बाकी बातें बाद में अल्लाह एक है अकेला है वही इबादत के लायक है उस एक को मानो और उसी के सामने सर झुकाओ यही ज़िंदगी का मकसद है यही हमारी पहचान है यही हमारी इम्तियाज़ है अल्लाह एक है वही इबादत का मुस्तहिक, अहयल क्योम वो ज़िंदा है कायम रहने वाला है दुनिया को कायम रखने वाला है उसी के दम से ये दुनिया कायम सात आसमान ज़मीन सूरज चाँद सितारे दरिया पहाड़ जंगलात ये सब अल्लाह के हकों से कायम जब अल्लाह चाहेगा इनको ख़त्म कर देगा और हमारा अकीदा है कि एक दिन आएगा अल्लाह ताला इन सबको ख़त्म कर देगा यह आसमान टूट जाएगा ये ज़मीन फट जाएगी ये पहाड़ रेजा रेजा होकर के उड़ जाएंगे समंदरों को पाट दिया जाएगा ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा यह अल्लाह का पावर यह है अल्लाह की ताकत आज इंसान गुनाह क्यों करता है इसलिए कि अल्लाह के पावर को समझता नहीं है। अल्लाह तबारक को तौला को उसने जाना नहीं अल्लाह ताला को पहचाना नहीं अगर अल्लाह तबारक को तौला को जान ले अल्लाह को पहचान ले तो कभी भी वो जुर्म नहीं करेगा पूरी कायनात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इज्जत उसी के हाथ में है जिल्लत उसी के हाथ में है हुकूमत उसी के हाथ में वो जो चाहता है करता है वो जो चाहता है करता है हम हुकूमतों से डरते हैं फ़लाँ आदमी हाकिम बन जाएगा तो हमारा वजूद मिट जाएगा फ़लाँ आदमी को हुक्मरानी मिल गई ये अल्लाह तबारक व तआला की चाहत से होता है यह अल्लाह ताला करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस दुआ का अहतमाम करते थे तशा वह तंज़ुल मुल्ल्क मंतशा व तो इज्ज़ मंतशा व तो दिलोम बेदिकल खैर अय नबी आप कह दीजिए अल्लाह ममा लिकल मुल्क अल्लाह पूरी दुनिया का बादशाह तो है पूरी दुनिया का बादशाह हकीकी मानों में पूरी दुनिया का बादशाह कौन है अल्लाह है तू तिल मुल्क मंतशा तू जिसको चाहता है हुकूमत देता है तू जिसको चाहता है बादशाह ही देता है वह मुल कमी मंतशा और जब तू चाहता है उसको हुकूमत से उतार देता है ये पावर किसको है अल्लाह को है दुनिया में कितने लोग आए हुकूमत किए चले गए हुकूमत तक पहुंचाने वाला कौन था अल्लाह हुकूमत से उतारने वाला कौन था अल्लाह मेरे भाइयों हुकूमतें बनाने वाला हुकूमत अता करने वाला हुकूमतों से बेदखल करने वाला कुर्सी तक पहुंचाने वाला कुर्सी से उतारने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जात है यह और बात है कभी अल्लाह ताला जालिमों को हुक्मरानी देता है कभी आदिलों को हुक्मरानी देता है ये क्यों होता है अल्लाह तबारक वाली की मसलहत होती है जब लोग अच्छे और नेक होते हैं तो अल्लाह तबार को हुक्मरानी अच्छे और नेक लोगों को देता जब लोग बुरे होते हैं गुनहगार होते हैं मुजरिम होते हैं अल्लाह से दूर होते हैं तो अल्लाह तबारक तालिमों को हुक्मरानी देता ये बात हमेशा याद रखें वो तो आज़्ज़ मंतशा वह तो दिल्लो मंतशा अरे अल्लाह तू जिसको चाहे इज्जत दे दे तू जिसको चाहे जलील कर दे इज्जत देने वाली जत कौन है Allah. जिल्लत देने वाली जात कौन है अल्लाह की जात आज हम लोगों से इज्जत मांग रहे हैं हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह तला कहा करते थे ला लना इल्ला बिल इस्लाम हमको सिर्फ इस्लाम से इज्जत मिल सकती है इज्जत वही देगा जिसके हाथ में पावर हो जो इज्जत वाला हो और अल्लाह तबारा व तआला ने हमें यह अकीदा दिया है वलिल्लाहिल वल रसूल ही इज्जत अल्लाह के लिए है इज्जत रसूल के लिए है इज्जत मोमिनों के लिए है हमें इज्जत की भीख किससे मांगनी चाहिए अल्लाह से मांगनी चाहिए हम लोगों से इज्जत की भीख मांगते हैं अल्लाह से जुड़ो अल्लाह इज्जत देगा अल्लाह से कट करके कोई इज्जत नहीं कमा सकता है अल्लाह से दूर होकर के कोई इज्जत नहीं कमा सकता है इज्जत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह से कटोगे अल्लाह जलील करेगा वो जिल्लत का भी मालिक है इज्जत का भी मालिक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने जलील करना चाहा अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी सब कराम को लोगों ने ख़त्म करना चाहा अल्लाह ने उनकी तादाद बढ़ा दी इस्लाम को लोगों ने बुझाना चाहा अल्लाह तबारक वाली ने उसकी रोशनी को पूरी दुनिया में फैला दिया यूनूर अल्लाह वूर ही वलौ करी हल्का लोग चाहते हैं कि इस नूर को बुझा दें अल्लाह ने जो नूर भेजा है वल्ला मुतिम नूर ही वलौ करी हल्का फिर अल्लाह तला अपने नूर को पूरा करके रहेगा अगर काफिर ना पसंद कर नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा अल्लाह की जात बहुत पावरफुल है अल्लाह की जात बहुत बड़ी है हमने उसको समझा नहीं हमने उसको पहचाना नहीं अगर हम अल्लाह को पहचान ले दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों से हम बच जाएंगे अल्लाह व तआला हर चीज़ का खालिक है वही इबादत के लायक है वही जिंदगी और मौत का मालिक है वही हमको जिंदगी दिया है ताकि हमको आजमाए कि हम अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं वही जिंदगी और मौत दिया है ताकि तुमको आजमाए कि कौन नेक काम करके जाता कितने दिन जियोगे या हम कितने दिन जिएंगे? दो साल पांच साल दस साल ज्यादा से ज्यादा सौ साल उसके बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है ये जिंदगी किस लिए है मौत किस लिए है अल्लाह ताला ने फरमाया बलुआ कुम अम असन माला ताकि वो तुमको आजमाए कि कौन नेक काम करके जाता अब हम नेक काम करके जा रहे हैं दुनिया से अल्लाह को राजी करके जा रहे हैं हम क्या काम करके जा रहे हैं अगर हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं अगर हम नेक काम कर रहे हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तोफीक दी और अगर हम बुरे कामों में मुबतला हैं जराइम में मुबतला हैं तो अल्लाह से तोबा करना चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तर है मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है हिसाबों किताब देना है एक एक लम्हे का हिसाब देना है एक एक काम का हिसाब देना है यह है अल्लाह की जात, यह है अल्लाह का पावर हम उससे बच नहीं सकेंगे इसी तरीके से अल्लाह तबारक अलीम है बसीर है सारे आमाल से बाखबर है इंसान लोगों के सामने अच्छा बनता है लेकिन तन्हाई में बुराई करता है तन्हाई में गुनाह करता है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक तआला का पावर यह है कि जिस तरीके से वो दिन के उजाले में देखता है रात के अंधेरे में भी देखता है रात के अंधेरे में घर में छुप करके आप लोगों की निगाहों से बच सकते हैं अल्लाह से नहीं बच सकते हैं इसलिए जब इंसान अल्लाह को पहचान लेगा तो रात के अंधेरे में भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा दिन और रात के उजाले और अंधेरे की बात तो छोड़ो अल्लाह तबारक वाली सीने में पैदा होने वाली धड़कनों को भी जानता जहन और दिमाग में पैदा होने वाले फितनों को भी जानता अगर इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे दिल के इरादे भी अल्लाह जानता है हमारे जहन में पैदा होने वाले वसवसों को भी अल्लाह जानता है तो इंसान किसी का बुरा नहीं सोचेगा इंसान किसी से नफरत नहीं करेगा इंसान किसी से हसद नहीं करेगा हमने अल्लाह को पहचाना नहीं जब सारी दुनिया सो रही होती है अल्लाह तबारक तआला हमें देखता है हमें जानता है एक लम्हे के लिए भी हम अल्लाह तबारक तआला की निगाह से ओझल नहीं हो सकते हैं ला खुद तुम वाल अल्लाह तआला को ना ओंख आती है ना नींद आती है नींद तो बहुत बड़ी बात है इंसान दो घंटे चार घंटे छह घंटे आठ घंटे सोता है ओंख किसे कहते हैं इंसान जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो काम करते करते ऊंघ आ जाती है जैसे जुमा में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ऊँघते रहते हैं थक के आते हैं मस्जिद का पंखा है ठंडी है माशाल्लाह आते हैं मस्जिद में ऊँघने लगते हैं इसको ऊँघ कहा जाता है नशात होना चाहिए चुस्ती होनी चाहिए रोज तो आपको इकट्ठा नहीं किया जाता है रोज तो आप आधा घंटा एक घंटा के लिए नहीं आते एक दिन आते हैं बहुत सारे लोग आके सिर्फ सोते रहते हैं सोना तो दूर की बात है अल्लाह को ओंग भी नहीं आती ला तुद हुना तुम अला न ओम। अल्लाह तला को ना ओंग आती है ना नींद आती है वो अल्लाह का पावर है ये अल्लाह तबारक वाली की ताकत है अगर इंसान ये सब समझ ले तो इंसान अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करेगा मेरे भाइयों, इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है बहुत जल्दी परेशान हो जाता है अल्लाह ताली हमको ये अकीदा देता है कि कभी घबराना नहीं चाहिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए क्यों इसलिए कि सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे एक जात है अगर उससे आपने रिश्ता मजबूत कर लिया है तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा हमने अल्लाह को पहचाना हमने अल्लाह को जाना वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा हज़त इब्राहीमसलाम को जब उन्होंने दावत तबलीग का काम किया कुफर की मुखालफत की मेरे भाइयों दुनिया का सबसे बड़ा सहारा कौन होता है बाप होता है बाप होता है लेकिन हज़त इब्राहीमलाम श्यारा ने जब तोहीद का ऐलान किया बाप ने भी कह दिया इब्राहिम तू अपने आप को सुधार ले वरना हम तेरी हमायत नहीं करेंगे तू हमारे घर से निकल जा मेरे भाइयों अगर आपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो अल्लाह की जात है जो आपके साथ हमेशा रहेगा हैत तो इब्राहिम को बाप ने घर से निकाल दिया बादशाह ने दुश्मनी की लेकिन हैत तो इब्राहिम उम्मीद है, नहीं हुए क्यों इसलिए कि अल्लाह की जात पर उन्होंने ईमान लाया था अल्लाह की ज़ात पर उन्होंने यकीन किया था अल्लाह की जात से उन्हें उम्मीद थी और जब पूरी कौम ने मिलकर कर के हैरत इब्राहिम को आग में डाल दिया तो हैत इब्राहिम ने क्या कहा था हस्बुन अल्लाह व निमल वकील हमारे लिए हमारा रब काफी है और वो बेहतरीन कार सा अल्लाह तबारक ने आग में डाले जाने के बावजूद भी हैरत इब्राहिम को की हिफाजत की हमने ये वाक़या सुना है ना जानते हैं ना सारी दुनिया मुखालिफ है लेकिन इब्राहिम का एक बाल नहीं जला सकी अल्लाह का पावर समझिए अल्लाह की ताकत समझिए अल्लाह तबार व तआला का पावर बहुत ज्यादा है जो चाहता है वो करता है, है तो मूसा अलीसला तोलाम घर से बाहर निकल गए किसी ने आ करके कहा कि फिर के दरबार में आपके कत्ल करने की साजिश चल रही है आपने जो एक आदमी को मार दिया था मूसा इस्लाम घर से बाहर निकल गए लोगों ने कहा अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह रास्ता दिखाएगा अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह रास्ता, अल्ला अल्ला रास्ता दिखाएगा मिस्र से निकले कहाँ पहुँच गए मदायन पहुँच गए मदियन पहुँचने के बाद अल्लाह तबार ने उनके लिए घर का भी इंतज़ाम किया खाने का भी इंतज़ाम किया वहीं बीवी भी मिली मेरे भाइयों अल्लाह बहुत बड़ा है आज जो हम घबरा जाते हैं वो क्यों इसलिए कि हमने अल्लाह को पहचाना नहीं आपको आपके घर से निकाल दिया जाए आपको आपके रिश्तेदार बातचीत बनना बंद कर दें आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए आपका आपका कोई हामी हो मददगार ना हो इस्लाम का अकीदा सुनिए कोई कुछ नहीं बिगा सकता है जब तक अल्लाह आपके साथ में है हमने उस अल्लाह को पहचाना नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम छोटे से बच्चे को नसीहत कर रहे हैं कर रहे हैं बेटा पूरी दुनिया मिल कर के पूरी दुनिया मिल कर के एक दो आदमी नहीं पूरी दुनिया मिलकर के अगर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है मगर वतना ही जित जितना अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दिया है हमारे नबी ने हमको ये तालीम दी छोटे से बच्चे को ये तालीम दी अब बताइए जिस बच्चे के जहनों दिमाग में ये बात डाल दी गई हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक अल्लाह तुम्हारे साथ है उस बच्चे का ईमान कितना मजबूत होगा हमने नहीं पहचाना रब को हमने रब के पावर को नहीं समझा मेरे भाइयों है तो अलैहिस्सलाम तो सलाम का वाक़या मछली वाले नबी के नाम से जानते जा रहे थे नाराज हो के दरिया में कूद पड़े दरिया में गिरने के बाद कोई बचेगा नहीं बचेगा एक तो दरिया है मछली ने अपना मुंह खोल लिया है यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए दरिया में होते तो बच सकते थे मछली ने निकल लिया और वो भी मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं आप सोच नहीं सकते हैं मछली ने निकल लिया पेट में चले गए लेकिन अल्लाह की ज़ात देखिए अल्लाह की ताकत देखिए अल्लाह जब किसी को बचाना चाहता है तो मछली के पेट को उसका घर बना देता है हैते यूनू सलतम मछली के पेट में पहुंचने के बाद वहां अल्लाह को याद करते लालांता इला सुबह न का इन्नी गुंतु मिन अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो अल्लाह ही है जो हमको कामयाब कर सकता है है तो सलाम ने दुआ की लाई लाई लंता सुबह नी कु गुन तुम ालम अल्लाह ने समंदर में मछली के पेट में हैत यूनुस की हिफाज़त फरमाई मछली को हुक्म दिया साहिल पर ले जाकर डाल दिया अल्लाह ताला ने उनके लिए फल का इंतज़ाम किया एक बेल उगाया हैत यूनुस अलतम ने उसका फल खाया वहाँ पर कुछ दिनों तक ठहरे रहे अल्लाह तबारक व ने उनकी हिफाजत फरमाई अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी ताकत है कभी अल्लाह की जात से मायूस ना हो अगर इंसान ये सोच ले कि अल्लाह तबारक तआला उसको बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता है इंसान का अकीदा मजबूत हो जाएगा अगर कोई इंसान अल्लाह के पावर को समझ ले तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा किसी का हक नहीं दबाएगा आज हमारा हाल ये है कि हम दूसरों के हकूक को सल्ब कर लेते दूसरों का हक हाँ दबा लेते भाई का हक हाँ दबा लिया बहन का हक हाँ दबा लिया पड़ोसी का हक हाँ दबा लिया मजदूर का हक हाँ दबा लिया पार्टनर का हक हाँ दबा लिया धोखा दिया क्यों इसलिए कि आपने अल्लाह के पावर को नहीं समझा अल्लाह तबारक क़यामत के दिन सामने खड़ा करेगा एक एक पैसे का हिसाब व किताब देना होगा हम दुनिया में किसी पर जुल्म कर सकते हैं दुनिया में किसी का हक दबा सकते हैं लेकिन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते हैं इन्ना बद शरब बिकल शदीद तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है जब वो पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से कोई छोड़ा नहीं सकता अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अरे मेरे सहाबा बताओ मुफ़्लिस कौन है मुफलिस मुफलिस जानते हैं अगर हम आपसे पूछें तो आप भी यही कहेंगे मुफलिस वो है जिसके पास रुपये पैसे ना हो सहाबा ने भी यही जवाब दिया कहा अल्लाह के रसूल हाँ मुफलिस वही हैं जिनके पास दिरहम दिनार ना हो रुपये पैसे ना अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया नहीं मेरी उम्मत के मुफलिस वो हैं जिन्होंने नेकियां बहुत ज़्यादा की होंगी नमाज रोज़ा जक़ात सदका खैरा हज उमरा तलावत कुरान बहुत ज़्यादा किया होगा किसी को मारा होगा किसी को सताया होगा किसी पर जुल्म किया होगा अल्लाह के सामने हाजिर होगा अल्लाह तबार को तला इसकी ने किया उसको दे देगा दुनिया में किसी पर कोई जुल्म करता है तो लोग मुकदमा दायर करते हैं कोर्ट में जाते हैं कोर्ट फैसला करता है नहीं भाई आपने इसके ऊपर जुल्म किया आप इसकी चीज़ वापस करें तो दुनिया में हमारे पास रुपए हैं पैसे हैं ज़मीन है जायदाद है हम रुपए पैसे ज़मीन जायदाद दे करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं कयामत के दिन जब हम रब के सामने हाजिर होंगे तो हमारे पास कुछ होगा कुछ नहीं होगा उससे बढ़कर मैं एक बात बताऊं हमारे नबी ने फरमाया जिसम पर कपड़ा भी नहीं होगा जमीन जायदाद रुपए, पैसे ये सब दुनिया के लिए हैं अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे इंसान बेबस मजबूर आजिस उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होंगे सारे लोग बराहना होंगे आप सोचें कि आपका हक कोई दबा लिया है या आपने किसी का हक दबा लिया है वो बदला कैसे दिया जाएगा वहां दो चीजें होंगी दो चीजें होंगी एक नेकियां होंगी एक गुनाह होंगे। आपने अगर किसी के ऊपर जुल्म किया है एक एक मजलूम को बुलाया जाएगा अल्लाह ताला पूछेगा, इसने तेरा हक मारा था हां अल्लाह मेरा हक मारा था अल्लाह ताला कहेगा इसकी इतनी नेकियां, इसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए बदला किस चीज का दिया जाएगा नेकी का इंसान दुनिया में जो जुल्म करता है लोगों के हकूक़ दबाता है उसकी नेकियां, उसके दुश्मनों के उसके जो जिस पर उसने जुल्म किया है मजलूम के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि सारे लोगों के हकूक़ ना अदा कर दिए जाएं। अब आप तस्लिम करें कि हक़दारों का हक़ ज़्यादा है नकियाँ कम हैं अब उसके बाद क्या होगा अल्लाह ताला ने उसका भी आगे सजेशन बताया अगर नेकियां खत्म हो गई और मज़लूमीन की तादाद ज्यादा है तो अल्लाह ताला कहेगा उनके गुनाहों को इसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए मेरे भाइयों गौर करो संजीदगी के साथ सोचो यहां भी सोचो घर में भी जाकर सोचना कि अगर हमने किसी का हक दबाया है हमने किसी पर जुल्म किया है और क्यामत के दिन ये हमारे नमाज़ रोज़े सब उसकी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएं और अगर वो भी पूरा ना हो दूसरों के गुनाह हमारे खाते में आ जाएं हमारा अंजाम क्या होगा मेरे भाइयों अल्लाह को पहचानो दुनिया में हम लोगों को धोखा दे सकते हैं अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते अगर हकीकी मानों में कोई अल्लाह को पहचान लिया वो कभी किसी का हक़ हाँ नहीं दबाएगा किसी पर जुल्म नहीं करेगा लेकिन हम अपने आप को मुसलमान कहने वाले हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मोती व फरमा बरदार कहने वाले हकीकत यह है कि हमने अल्लाह को नहीं पहचाना हम रस्मी तौर पर अल्लाह को जानते हैं हम रस्मी तौर पर अल्लाह को मानते हैं हम रस्मी तौर पर इबादतें करते हैं हम सोचते हैं अल्लाह बहुत माफ करने वाला है नहीं मेरे भाइयों अल्लाह की हकीकी पहचान पैदा करो जिंदगी में बड़ा मज़ा आएगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को अल्लाह का हकीकी पहचान अता फ़रमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ी नायत फ़रमाए अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो अल्लाह हम सब को इंसाफ़ के साथ दूसरों के हकूक़ अदा करने की तोफ़ी नायत फरमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना इन न कात समय उलिम वतुबलैना इन न कात तो रहीम बे का या और नामी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويطاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه